अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबिंदर। आप देख रहे हैं देसी फूडी फैमिली चैनल। आज कड़ी पकोड़े बना रहे हैं। बहुत आसान रेसिपी है और जल्दी पकने वाली है। जैसे हम लोग वर्किंग लेडीज होती हैं, उनके लिए बहुत मसला बनता है कि बहुत टाइम चाहिए होता है इसका पकने के लिए। तो बड़े सिंपल वे से बनाना सिखाएंगे, तो आए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम लोग कड़ी पकौड़ा बना रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। ये हम लोग 2 चम्मच लेंगे, ये सालन डालने वाला चम्मच। 1/2 किलो तकरीबन दही है, 1.5 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच लाल मिर्च और 1.5 चम्मच नमक है। नमक आप देख लीजिएगा टेस्ट के हिसाब से, पहले हम थोड़ा डालेंगे और जब हम उसका एंडिंग देखेंगे कि इसका कमी बेशी हुई तो उसके हिसाब से फिर पूरा कर लेंगे। हम इसके अंदर 2 चम्मच ऐड करेंगे बेसन, मिक्स की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर लम्स ना बने, चाहे तो इसको आप लोग ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाता है। मैं इसको डायरेक्ट बनाऊंगी। इसके अंदर हम लोग इसको पहले तड़का एंड में लगाएंगे। बहुत इजी है और बहुत जल्दी बनने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साथ ही इसको चीज़ें ऐड कर लेंगे। देखिए अच्छे से ये बीट हो गया, इसके बेसन के लम्स नज़र नहीं आ रहे। जैसे कि ये आपके साथ मिक्स हो गया, अब इसको मैं पैन में डाल दूँगी। इसे मसाला नहीं बनाएंगे, बस एंड में सिर्फ तड़का लगाना है। इसी तरह ये तभी इजी है, वरना आपको पता पकाने में बहुत टाइम लगता है। इसको पानी ऐड करते हैं। दस से 15 मिनट हमने इस बेसन को पकाना है। चमचा को उन्हें बराबर साथ साथ चलाते रहना है ताकि ये बेसन अच्छे से पक जाए। देखिएगा जैसे जैसे पकता जाएगा इसकी शक्ल चेंज होती जाएगी, थिकनेस आती जाएगी। कड़ी जो मुख्तलिफ तरीके से बनाई जाती है, अक्सर लोग इसमें प्याज भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, मसाला पूरा बना के फिर इसको पकाया जाता है, वो भी अच्छा बनता है। लेकिन ये वो उसमें बहुत देर पकना पड़ता है, पानी डाल के अब उसको छोड़ दे 4-6 घंटे, तो तब जाके वो बनती है। तो ये ज़रा है कि अभी हम इसको अच्छे से बना लेंगे, इस पानी ऐड करेंगे, जैसे पानी बॉयल होगा और जब जितनी हमें थिकनेस इसकी चाहिए हम उसके हिसाब से रख के फिर इसको चूल्हा बंद कर देंगे और पकौड़े ऐड करके तड़का लगा देंगे। अभी ये खुश्क होता जा रहा है, बिल्कुल पेस्ट सब बन गया है, ये इसी में पक गया है। और करके इसको हम लोग पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर। कलर बहुत प्यारा आया, जैसे कड़ी केक होता है। दही का इस्तेमाल करना, आप प्लीज़ इसको खट्टा दही रखें तो वो ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा, कड़ी अच्छी लगती खट्टी। जैसे कि आप देख रही हैं बन चुका है, पक गया है। अब हम इस पर पानी डालेंगे, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी डालें ताकि, और फ्लेम जो है नॉर्मल रखिएगा, बहुत हल्का भी नहीं और बहुत तेज़ भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। देखिए बिल्कुल अच्छा मज़े का पेस्ट बन गया इसका। अभी मैं पानी डालूँगी, चमचे लगते रहिएगा ताकि लगे ना। जैसे जैसे कड़ी पक रही है, हम लोग इसके साथ पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 मीडियम प्याज लिए और बारीक इनको काट लिया। इसमें हम लोग थोड़ा धनिया ऐड कर देंगे, ग्रीन कलर से वैसे ही बड़ा प्यारा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। नमक, कुटी लाल मिर्च और चाट मसाला 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच जीरा, क्योंकि ग्रीन चिलीज भी तो मिर्ची मैंने थोड़ी रखी। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें दूसरी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बेसन ऐड करते हैं, तकरीबन 2 से 3 चम्मच लेते हैं, अगर जरूरत महसूस हो तो देख लेंगे। ग्रीन चिलीज आधी थोड़ी सी बिल्कुल क्वांटिटी में, हम लोगों ने थोड़ा मीठा सोडा लिया ताकि ये सॉफ्ट बन सके, इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी और अच्छा हो जाएगा। साथ पानी लेते हैं।
कड़ी सब्जी रेडी हो गई है, बस इसके साथ मैंने पकौड़ों की तैयारी शुरू कर दी है। एक जी हमारा वही गर्म हो गया है, बस इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। बहुत बड़े भी नहीं होंगे, बहुत छोटे भी नहीं होंगे। ये देखिए एक पैकेट पकौड़ डालने का फ़ायदा, थोड़े थोड़े भूल गए अंदर सॉफ्टवेयर भी होगी, जब बन जाएंगे तो मैं आपको तोड़ के दिखाऊँगी। ये जैसे देखें गोल्डन ब्राउन कलर इनका हो गया, अब मैं इनको निकाल दूँगी। हीट मैंने फुल कर ताकि ये ऑयल छोड़ दे। जब भी आपको फ्राई का काम करने लगे मीडियम फ्लेम पे इसको पहले बनाएं, लेकिन जब उसका आप एंड निकालने लगे थोड़ी देर पहले उसको हीट फुल कर दो ताकि इससे वो ऑयल छोड़ देता है और कम से कम जज़्ब करता है। ये मैं साथ ही कड़ी में ऐड कर दूँगी। अब आप लोग ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा पकौड़े बना लेंगे, थोड़े पसंद है तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें पकौड़े ऐड कर दिए हैं, अब आप थिकनेस देख दें आपको कितनी चाहिए, क्योंकि ये गाढ़ी भी होती है। तो मेरा तो ख्याल से बिल्कुल रेडी है, इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और साथ में बघार की तैयारी कर लेते हैं। इसमें मैं गार्लिक डाल दूँगी, बारीक बारीक उसको आप काट लें, कलर चेंज करें। ऐड कर देंगे और सबसे आखिर में जीरा ऐड करके जल ना जाए। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, जब आप बनाएंगे तो आपको जब बनाते हैं खुशबू इसकी आप महसूस करेंगे तो पता ही कितना अच्छा इसका टेस्ट आया। हमारा करी पकौड़ा तैयार है, इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, बॉयल चावल कर लें, साथ में चपाती के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन आपको बहुत पसंद आएगा, आप हमारा चैनल पसंद करें देसी फूडी फैमिली, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो, ताकि पता लगे आप लोग के व्यूज़ आपको कैसी लगती है। इंतज़ार रहेगा आपका, थैंक यू।